हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली के पकौड़े। इसके लिए हमने आधा किलो मछली ली है और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हमने अजवाइन इसलिए डाली है कि तली हुई चीज़ से गैस ना बने और पेट ख़राब ना हो और ये स्वाद में भी अच्छी होती है। अब हम इन मसालों को अपने मिलाते हैं। ये सारे मसाले हमने इसमें मिला लिए और इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसमें फ्रेश मछली के पीस डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से 1 से 1.5 घंटा इसमें मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। पीस बना लिया, इसको गाढ़ा ही रखना है, इसको पतला नहीं करना। इसमें अगर आपको लगे ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकती हैं। या हमने हरी मिर्च, पुदीना और धनिया का पेस्ट बनाया था, इसको भी हम एक चम्मच डाल लेंगे। इससे क्या होगा, ये खाने में स्पाइसी लगेगा और चटपटा लगेगा और इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसको अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और सारे अपने फिश के टुकड़े इसमें डाल के और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको ढक के फ्रिज में आधे घंटे में भी पकौड़े बना सकते हैं। अब इसे ढक के हम फ्रिज में रखते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने जो 1 से 1.5 घंटे के लिए अपनी मछली को फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, अब ये अच्छी सी हो गई है, हमें मसाला सब मिल गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हल्के अब इसको एकदम नहीं पलटना है, हल्के हल्के आराम से पलटना है। अब देखिए हमारे पकोड़े अच्छे से तल रहे हैं। हमने अपने पकोड़ों को हल्के हाथ से पलट दिया है और ये अच्छे से लाल हो गए हैं, इनमें अच्छे से छिक गए हैं। अब हम दूसरी साइड से सेकेंगे हल्के हाथ से पलट के। देखिए हमारे पकोड़े मछली के अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और लाल हो गए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसको हमने धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर दिया है। आप चाहें तो सलाद प्याज के साथ भी सर्व करके खा सकते हैं। अगर आपको हमारी मछली के पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी आगे की रेसिपी का इंतज़ार।